एक बहुरिया थी, बोली वाला सोहर। एक बहू थी, पढ़े लिखी घर की बहू थी, ससुराल को आई। 40 साल हो गए बहुरिया की कोई लड़का ना आई भयो। एक दिन सास बहू में झगड़ा हुआ तो सास ने झगड़ा करके अपनी बहू को उल्टा सीधा कहा और डांट भी दिया, कहा चल जात की बांझिन। और एक बार जानते हो सास बहुरियम झगड़ा होते हैं कबिले जेले नान पुआता ना जाए तबिला, या पक्की बात। सब सम्मान लड़कने पर है, तो बहू को जब सास ने कहा कि हर जात की बांझिन, तो बहू सोचने लगी पढ़ी लिखी घर की थी बेचार की, आज मेरी सास ने हमको बांझिन कहा है, कल कोई पड़ोसिन कहेगी, परसों कोई गांव का कहेगा, पूरी रवाज खुल जाएगी, हमका तो लोग बाग जीना हराम कर देंगे, इसलिए मैं मर जाऊं। चल पड़ी लड़की रात के 12 बजे घर से निकल पड़ी। पहले तो विचार किया फांसी लगा लो, जहर खा लो, लेकिन ये सब बेवकूफी है। लड़की सोच लेगी मेरा एक सहारा है, लड़की के दो सहारा, ससुराल और नए ससुराल तो मैका। तो लड़की ने विचार किया कि अपने मायके में जाऊंगी और अपने माता पिता से पूरी बात बताऊंगी। तो वहां से लड़की चली है और चलती चलती लड़की अपने मायके आई और रात के 12 बजे हैं, द्वार पर खड़ी है और बड़े बड़े आंसू डाल डाल के लड़की रो रही है। जब रोने की आवाज सुना तो भैया दर्दा की मारी पीटी रनिया, अरे नहीं हरवा मरोवे, नहीं हरवा मरोवे रे। नैहर में खड़ी रो रही है, तो जब रोने की आवाज सुना तो घर से उसकी मम्मी निकली, देखो भैया हो रामा महलन से निकरी उनकी मैया तो दुख सुखो पूछे यार दुख सुखो पूछाए हो रामा मैया पूछ रही है बिटिया कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गई, कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गई, जो ना ठाड़ी रोवो नहीं हर मां ठाड़ी रोवाओ हो अपनी पास। जब लड़की सुनती है तो अपनी मम्मी से बोली मैया रामा इतने बचन सुनी बिटिया, रामा इतने शब्द सुनी बिटिया, तो मैया से ने बोली अरे मैया से ने बोलाए हो कहानी बताती है। मैया कहती बिटिया यहाँ पर का कारण रो रही हो, बिटिया सासु ससुर दुख दीना या नहीं हर दूरी बासई नहीं हरवा दूरी बासाई हो जो पति हैं वो लखनऊ में रहते फोन और नहीं मिला उसका। बिटिया की तोरे सैया पर देसा, बिटिया की तोरे सैया है पर देसा, कारण बत लावो यरे कारण मुहे समझावा Yeah.
बात नहीं है, ना वो फोन के बात है, ना मोबाइल के बात है, कुछ उनका रंग अलग है। मैया सासो तो का हती हमका बांझनी, मैया सासु तो का है मोहबा जिनिया न नदिया बिरजा बासिन न नदिया बिरजा बासिन हो अब इन्हें जैसे त्यावत रहे तो हम ते कहते रहे बउआ मार्केट जाते हम सिंघाड़ा केरी गुदी खई हो कि मूंगफली केरी कूदी खई हो हैं। और अब जब बाजार से आवते हैं तो हमारी ओर मुंह नहीं करते हैं और मारी बहके बहके रहने। मैया जिनका मैं बारे से भी आयू, मैया यार जिनका मैं बारे से भी आई हुई घर से नी कर हुई घर से नी कर ये सोहर आरवी स्टूडियो हेमराज सिंह यादव जी के मुखारविंद से आप सुन रहे हैं। इस सोहर में ढोलक पर संगीत दे रहे हैं वकील भैया, अर्गन पर साथ दे रहे हैं नौमीलाल, चिमटा पर साथ दे रहे हैं दिनेश यादव, झीका एवं बैकिंग पर साथ दे रहे हैं हंसराज यादव। मैया से लड़की बोली है मैया यह है कारण है, जब माता ने सुना देखो भैया कौन साथ देता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है वही धोखा देता है जिस पर एतबार होता है। रामा इतने शब्द सुनी मैया तो, इतने वचन सुनी मैया तो बिटिया से ने बोली, अरे बिटिया से ने बोला है वो। बिटिया रोके के कोई बात नहीं, लेकिन बात यहाँ है बिटिया घर मोरे बाहुरिया दी गर्भों से, घर मोरे बाहू हई गारब से बांझी न पानू लगी है रो गोयू हो लगिया है वो। इस करो बिटिया रुके वाली कोई बात नहीं, अगर रुके कहे तो गांव के बाहर बिटिया नगरी ना से तुम रामी जाओ यार बामिन लगे रोवो बामिनिया लगे रोवाओ। लड़की वहां से चल देती है भैया जा करके एक नाग बाबा की, जैसे जमाला मैया के स्थान के बाहर एक थोड़ा जंगल है ऐसे नाग बाबा की बाम पुरानी थी, लड़की जाकर के वहां रोने लगी। अब देखो भैया जब लड़की रोने लगी संकट है तुम्हारे ऊपर तो ना जहर खाओ ना फांसी लगाओ ना पानी में बूड़ो, लोगों से बताओ कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। रामा होना से चली वाते वैया बामिनिया लगे रो वही बामिनिया लगे रोवाही हो। भैया बाम्बी से निकरे नाग बाबा बांबी से निकरे नाग बाबा तो दुख सुख पूछे यार दुख सुख पूछा हो।
बिटिया तुम पर गिर गई, बिटिया यार कौनिया पतिया तुम पर गिर गई, जो ही ना टाड़ी रुआवो यार बनमा टाड़ी बिलखाओ। नाग बाबा से कह लगी, बाबा बाबा नाग बाबा, बाबा सासू तुम का है मुइबा, जिनिया ना नदिया बिरजा, पासिन ना नदिया बिरजा बासिनी हो। बाबा जिन घर ब्याही मैं तो जन्मों से हुई घर से नी, कार अब घर से मुहबा गवाई हो। बाबा कहने लगे, बिटिया यह बात हमरे बस की नहीं है, ए जब तुम्हारा दुनिया में कहूं काम ना बने तो संत की तरफ बढ़ जाओ, साधु की तरफ सिकिल जाओ, काम ना बनब नहीं देखा भैया। नाग बाबा कह लगे, बिटिया आगे चली जाओ 3 किलोमीटर, एक जंगल में बहुत त्यागी बाबा रहते हैं। ना से तुम रामी जाओ नागिनिया हईगा, रब से बांझी न पानो लगी है रो गोया हो लगिया है हो। लड़की वहां से चली जाती है जंगल में, एक बहुत त्यागी आश्रम था जैसे मैया जमाला जी का दरबार, और पुराना स्थान था। लड़की जाकर रोने लगी, बाबा भजन कर रहे हैं अंदर, रोने की आवाज सुना बाबा का दिल पिघल गया। मैंने कई प्रमाण संतों के विषय में दिया, बाबा निकले हैं तो बाबा से पूरी कहानी बताती है। बाबा ने कहा, बेटी इसका निवारण मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मार्ग बता देता हूँ, तुम हमसे ना कहो सीधे या रास्ता चली जाओ, आगे गंगा जी की धारा है, गंगा मैया से कहो, गंगा मैया जी के पास 7 लड़का हैं। शांतनु पुनः बताती, भाई धारा में डिबो देती थी राजा के जान में, लेकिन वो गंगा जी डिबोती नहीं थी, गंगा जी साथ में ले आई थी। अब जो कोई जाता है गंगा जी से कहता, मैया एक बउआ दे दे, मैया एक बउआ, जब खुश हो जाती तो वह मैं कहे एक हाइब्रिड लड़का दे देती है, उनकी कामना पूरी हो जात। अगर बिटिया चली जाओ गंगा जी के पास, या कौ लड़का हुई है दे जाए तुम्हार काम बन जाई, लड़की हो चल पड़ी भैया। रामा भुवन से चाली वाते वैया तू गंगा लगे, रोवे गंगा लगे रोवाई हो। मैया गंगा के पास पहुंची, रोने लगी और गंगा से बोली, मैया मैया या पानी ला हरिया हम का दे दो, मैया या पानी ला हरिया हम का दे दो, हम धारा बीच मरबई हम धारे मैया बुड़बाई हो। माता गंगा सोवत गंगा दीन जगाई, गंगा परी अधिक ऋषियाई, गंगा निकली बाहर, गंगा बाहर निकल पड़ी, पूछा रे लड़की कौन हो, गंगा मैया से कहने लगी, मैया गंगा ने पूछा, बिटिया कौन दे सकी रहने वाली, कहां से तुम आई जो हिंगना ठाड़ी, रोवो मुसीबत बत लावाओ। तो गंगा से कह लगी, मैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैया सासु तो का है मुइबा, जिनिया ना नदिया बिरजा, बासिन ना नदिया बिरजा बासिनी हो।
मैया जी न का मैं बाले से भी आई हुई घर से अब भा गाँव हुई घर से रपटावाई हो देखा ये दुखियारी बहुत दुखी है। माता गंगा ने कहा बेटी नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेलकम वेरी गुड थैंक यू एंड सॉरी वेल डन चिंता न कर तू मरने आई लेकिन मारूंगी नहीं मारूंगी मारूंगी मर जाओगी चली जाओगी नाम बूढ़ जाएगा लोग गाली देंगे गंदे शब्द का प्रयोग करेंगे बेटी तू चिंता न कर भैया इतने बचाना सुनी गंगा तो बिटिया से ने बोले यार कन्या से ने बोला ही हो बिटिया तू मैं काला हरियाणा ही दे बैना धारा बीच पर बैना धारा मैया मर बाए हो लौड़ जाओ और हमार बचन है बिटिया आज के नवे मागिनवा ओ कन्या आज के नवे मागिनवा लालनवा तुमरे जन्मी एगो बउवा तुमरे जन्मी हो से चली वा दूलारी भावाना लौटी आवई भावाना लौटी आवाई हो भैया ईसाई बीते जब नौ मास तो बउआ एक जन्मे यार ललना एक जन्मे लौट आई समय आने पर लड़का भयो और लड़को पैदा होते तीन तन से एक होते सात महीने को होते संतोषी और आठ महीने को होते कहते हैं सात सात महीने का संतोषी सात महीने का जो लड़का पैदा हो तो पंद्रह दिन ऐसे रूम में जरूर रही और धोकर पकड़ जरूर हुई बच गए तो ठीक है ना पैसा बूढ़ के सात महीने का संतोषी हो या आठ महीना कोई ना हो नौ महीने सब दुनिया हो और दस महीने कोई बिरले हो है ना। कोई कोई माताएं मैंने एक दागव लगावा करती हैं तीन बिटियन पर लड़का हो तो कहें भाई सब ठीक है फलाने के लड़का तो भवा लेकिन तेतरा है कहीं कहा कहे तेतरा तो के यू गलत नहीं है जैसे तीन बिटियन पर लड़का हो तो कहती हूँ तेतरा तो हम कहते यह जरूर है कि अगर तीन बिटेन पर लड़का हो तो का कहती है तेतरा तो जो चार बिटेन पर लड़का हो तो उसका कहे चौतरा है ना। आप जब लड़की के एक लड़का भयो भैया जब लड़का भयो तो पहले सासो ससुर सासो नंद का उनका हस्बैंड जो था वो क्या कहता था सासो तो कहती रे बंजनिया ननदिया बिरजा बासिनी ननदिया बिरजा बासिनी हो रामा जिनका वा बारे पर से बियाही वही घर से निकारई चल गेट आउट वही घर से भगावई। अब जब लड़का होएगा तो बूढ़ा सास बहू जी में झगड़ा होते कबीले जले नान पोता ना जाता तबिले तन को लफड़ा भवा बहुरिया तुरंत कहे हटो सास बहुत पैतवाना था हमारे लड़का का ना लियो तो बूढ़ा का लिया है नहीं तो मरे आवे करे हमारे का कोई आई। अब देखो बूढ़ा नारमल हो गई हो रामा सासु तो काहै मरीबा पुरिया ना नदिया को दई भौजी ने ना नदिया कहती भौजी ने ए रामा जिनका वा बारे से भी यही वही धनिया कहे गो राम वरी धनिया कहे गो राम पूरा सम्मान होएगा। तो अगर बोली कोई लगावा ना हो तो लड़की वहां गई ना हो तो अगर गई ना हो तो लड़का
पाई न होत। यो लड़का जो भयो है ये भीष्म पितामह का भाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप द्रौपदी ने यहाँ पर बोली बोला है, मैं आपको वही कथा सुना रहा हूँ। दुर्योधन गया शकुनी के पास पहुंचा। शकुनी के